अभी जो है हाल ही में अखबार वाले निकाले हैं, वो कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा सर? ये जो अखबार में निकला है, दरअसल ये उस बयान के आधार पर निकला है जब यूनिवर्सिटी ने एसी कमीशन को हमारे पत्र पर जवाब दिया है। जवाब उसने कई बातों में दिया है, लेकिन जो मुख्य बात ये यूनिवर्सिटी को ये लग रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि यूनिवर्सिटी मेरे इन सवालों को देखने के बजाय, जिन सवालों की तरफ मैं इंगित कर रहा हूँ, उन सवालों को देखने के बजाय ये कर यूनिवर्सिटी में बदनाम कर रहा हूँ। अब सॉरी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी एक फिल्म का एक कटिंग मैंने देखा, बुलंदी फिल्म में, उस फिल्म में एक रेखा का डायलॉग है कि आई एम द ग्रेजुएट फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जरा सोचिए उस फिल्म का इस डायलॉग के हिसाब से कि कितना महत्वपूर्ण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, कि जब उसको ये बारे में कहा जा रहा है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसी ऊँचाई को मैं अपनी यूनिवर्सिटी को ले जाना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सिटी मेरी है, ये मेरा घर है, यूनिवर्सिटी हमारे में कोई गैर नहीं है। और मैं जब मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं, कभी जेंडर को लेकर, कभी कास्ट को लेकर, कभी जूनियर सीनियर्स को लेकर के, तो क्या एक प्रोफेसर का दायित्व नहीं बनता इन तमाम सवालों को लेकर के अपनी वाइस चांसलर मैडम को बताया जाए, या जो भी अनरेबल वाइस चांसलर को बताया जाए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या कल हम सैलरी लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं? क्या बस मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सैलरी लेकर के अपने क्लास को लेकर के शांत हो जाऊँ? ऐसा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि मेरे मुद्दे को लेकर के मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा हूँ। ये सरासर गलत आरोप है और इस आरोप का मैं खंडन करता हूँ। या आयोग ने हमसे ये कहा है कि क्या आप यूनिवर्सिटी के जवाब से संतुष्ट हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि यदि आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिन के अंदर एक रिजाइंडर दे सकते हैं, एक अप्लीकेशन दे सकते हैं। तो मैं उसके तैयारी में हूँ ये बताने के लिए कि मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी को एक कमीशन बना, एक कमेटी बनाकर, भारत सरकार को कमेटी बनाकर के जितने तरह के आरोप मैंने लगाए हैं, उस आरोप की छानबीन की जाए और बेहतरी के लिए लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैं कोई स्वार्थ हूँ, मैं राजनीति खेल रहा हूँ। एक नागरिक होने के नाते, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने के नाते मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। आगे कहा जा रहा, आपने कहा था कि जो है उत्पीड़न किया जाता है, तो उसे 11 बिंदुओं में यह भी कहा गया है कि उत्पीड़न नहीं किया जाता है। हाँ, नहीं, मैं एक बात जान कर रखिए, अगर आपसे, आपको बस कोई सो को नोटिस, कारण बताओ नोटिस देता है, तो अपने आप में एक उत्पीड़न है। मतलब बिना मतलब की किसी बात पे आपको अगर सो को नोटिस दिया जाता है तो अपने आप में उत्पीड़न है। अगर उत्पीड़न की बात न होती तो कमीशन को यूनिवर्सिटी इतना गंभीरता से क्यों ले रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात तो है। और ऐसा तो नहीं कि मैं प्रोफेसर हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सिरफिरा हो गया हूँ, मैं बिना मतलब का कोई आरोप लगा रहा हूँ। अगर उत्पीड़न की बात न होती तो मेरे खाने पे, मेरे ड्रेस पे लेकर के लोग टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? मेरी जाति को लेकर टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? अगर उनको चमार कहते हैं या कुछ ऐसे आरोप लगाते हैं, तो क्या ये अपने आप में उत्पीड़न नहीं है? आप एक दलित प्रोफेसर्स को तमाम तरह के सो को नोटिस पकड़ा रहे हैं, जिस पर कि आपका औचित्य बनता ही नहीं। मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर के आप ये लिख रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ किसकी खराब नहीं है यहाँ पे? कितने प्रोफेसर्स की जिंदगी में, निजी जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन उससे क्या यूनिवर्सिटी प्रभावित हो रही है? यूनिवर्सिटी इतनी छोटी चीज़ है कि आपकी किसी पर्सनल लाइफ को लेकर यूनिवर्सिटी प्रभावित हो जाएगी? मसलन कि ये गलत आरोप है, आप हमारे पर्सनल लाइफ को लेकर के, इन बातों को लेकर के यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि मैं बदनाम करूं, जबकि सरासर गलत। मुद्दा यह है कि जब मैं आरोप लगा रहा हूं या बता रहा हूं, आरोप भी नहीं, मैं अपनी समस्या कह रहा हूं कि मैं सेमिनार कराया हूं, मैं अपने पॉकेट से पैसा दे रहा हूं, और यूनिवर्सिटी को इसमें देखना चाहिए। ये आरोप तो नहीं है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो मैं जब सेमिनार कराया और उसका पैसा बाकी है, और उसका पैसा यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आएगा, ये सबको पता है। तो इसमें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय, ये कहने के बजाय कि मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा हूँ या प्रॉब्लम क्रिएट कर, ये तो गलत आरोप है, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। आखिरी सवाल ये है सर, जिस तरह से ये मैटर उठा है जी, जी, छोटी जातियों को लेकर अंक कम दिए जाते हैं जी, जी, क्या इस मामले में आपकी जीत होगी या हार होगी? हाँ, ये तो मैं खुद ही नहीं जानता, मैं ये मसला जीत और हार की नहीं है,
ये मसला है, एक किसी के राइट्स की बात है, अधिकार की बात है, मेधा की बात है, मेरिट की बात है। हम ये कह रहे हैं कि आप मेरिट के आधार पर, आप मेरिट के आधार पर, मेधा के आधार पर आप बच्चों का मूल्यांकन कीजिए, मार्किंग कीजिए, न कि उसमें जाति को आधार बनाइए, न किसी लड़की का चेहरा का आधार बनाइए, न किसी के कास्ट का आधार बनाइए, न किसी का ड्रेस का आधार बनाइए, मेरिट का आधार बनाइए, मेधा का आधार बनाइए। और ठीक है, साथ ही जो बच्चे कमज़ोर तबके के हैं या जो बच्चे कमजोरी आते हैं, अमृत सन एक बात कहते हैं जो कहते हैं कि कैपेबिलिटी का अप्रोच कहते हैं कि कैपेबिलिटी के आधार पे आप सभी लोगों को मूल्यांकन कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरिट के साथ साथ जो बच्चे गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल बैकग्राउंड से, उनको प्रमोट करने की भी बात है। यहाँ सामाजिक न्याय की बात है, यहाँ कोई जीत और हार की बात नहीं है।